का लोकतंत्र खतरे में है और ये लोकतंत्र बार बार खतरे में आ जाता है अलग अलग कारणों से, अलग अलग जगह पर, अलग अलग लोगों के अलग अलग रूप के अनुसार। जैसा आपने देखा होगा बीच में भाजपा और उसके समर्थकों के लिए महाराष्ट्र में लोकतंत्र खतरे में था, मणिपुर में भी था खतरे में, इसी प्रकार से कांग्रेस और उसके समर्थकों के लिए बीच में कर्नाटक में लोकतंत्र खतरे में था, मध्य प्रदेश में भी कुछ खतरा आया था। अभी राजस्थान का अगर हम देखें तो राजस्थान में भी लोकतंत्र खतरे में है, स्थिति स्पष्ट नहीं है कि कितना किसकी तरफ से खतरे में है। खैर, लोकतंत्र की जब भी हम बात करते हैं तो लोकतंत्र के बारे में माना जाता है कि उसके चार स्तंभ बड़े महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं, मगर आज हम उसके पांचवें स्तंभ पर बात करेंगे। तो आपको भी लग रहा होगा कि लोकतंत्र के तो हमने चार स्तंभ सुने, ये पांचवा कहाँ से आ गया? तो मैं बताता हूँ, पांचवा स्तंभ सबसे महत्वपूर्ण है। हर बार लोकतंत्र को बनाने, बचाने या बिगाड़ने की जिम्मेदारी वो अपने कंधों पर लेता है, और वो जो लोकतंत्र का पांचवा स्तंभ है वो है ये आलिशान होटल या कोई बहुत अच्छा सा रिसोर्ट। और आप खुद भी मानेंगे कि अच्छे से बड़े से रिसोर्ट की खूबसूरत कमरे, अच्छे अच्छे बड़े बड़े महंगे सूट, लॉबी, बालकनी, दूर तक फैले गार्डन या बड़े ही शांत प्यारे खूबसूरत और निर्मल जल से परिपूर्ण स्विमिंग पूल इस लोकतंत्र को बचा देते हैं। और जब लोकतंत्र के रक्षक उन स्विमिंग पूल में अटकेलिया करते हुए उस लोकतंत्र को बचाने की पूरी गंभीरता दिखाते हैं, तब हमें एहसास होता है ये लोकतंत्र सुरक्षित हाथों में है। अब मेरी चिंता कुछ और है, मेरी चिंता यह है कि जो लोकतंत्र खतरे में होता है या खतरे से बाहर होता है, और लोकतंत्र के अलावा राज्यसभा की सीट या फिर खुद को स्थापित करने का दबाव बनाने की जो प्रक्रिया होती है, ये सारी प्रक्रियाएं इन रिसोर्ट्स में होती है, इन होटल्स में होती है। तो इन होटलों को, रिसोर्ट को लोकतंत्र में अच्छी तरह से स्थापित क्यों नहीं किया जा रहा है, इनकी अनदेखी क्यों जा रही है? मैं आज किसी लोकतंत्र की, किसी नेता की, किसी दल की बात करने के लिए नहीं खड़ा हूँ। मैं यहाँ ये वीडियो इन रिसोर्ट और इन होटल के जो असल वाहवाही मिलनी चाहिए, जो उनको तारीफ मिलनी चाहिए, जो जिम्मेदारी है इतने महत्वपूर्ण तरीके से निभा रहे हैं, मैं उनके हक की आवाज़ लेने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि इन होटल रिसोर्ट को इस लोकतंत्र में, इस राष्ट्रीय व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्तंभ की तरह देखा जाना चाहिए। आप देखिए, मुझे तो कई बार ये भी लगता है कि अब जो स्थितियाँ चल रही है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये होटल या रिसोर्ट अपने बाहर जो विशेषताएँ लिखते हैं उसमें उनको लिखना चाहिए, उनको लिखने का अधिकार मिलना चाहिए कि आप हमारे रिसोर्ट में आइए, हमारा रिसोर्ट सबसे अच्छा है, यहाँ जो पिछली तीन दफा यहाँ जो लोग रुके हैं उन्होंने या तो अपना लोकतंत्र बचा लिया, या अपना लोकतंत्र लूटने से या दूसरों से छीने जाने से उसमें हमारे इस रिसोर्ट ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो कुल मिलाकर हमारे रिसोर्ट में रुकने से सरकार बनाई भी जा सकती है और सरकार बचाई भी जा सकती है, ये वो रिसोर्ट लिखें और अपनी विशेषताओं में अंकित करें, ये उनको अधिकार मिलना चाहिए। और साथ ही जो नोट होता है कि बिना आईडी, जो आम लोगों के लिए होता है कि बिना आईडी के प्रवेश नहीं दिया जाएगा, तो मैं कहीं ना कहीं इस रिसोर्ट और होटल के इस महत्वपूर्ण दायित्व को ध्यान में रखते हुए चाहता हूँ कि इनको एक आज़ादी दी जाए, कि बाहर नोट लगा सके कि हमारे इस होटल में, हमारे इस रिसोर्ट में बिना आईडी और बिना आइडियोलॉजी दोनों के ही नेताओं को प्रवेश दिया जा सकता है। ये मैं उनके लिए विशेष रूप से मांग करता हूँ। साथ ही मेरी एक शिकायत और भी है, हम देखते हैं जब कोई नेता सफल होते हैं, मंत्री बनते हैं, तब उनके अच्छे खासे ऑफिस में, बड़े बड़े घरों में पीछे की तरफ बड़े बड़े नेताओं का या उन लोगों का बड़ा सा फोटो लगा होता है, बड़ा सा चित्र लगा होता है जिनके कारण वो उस पद तक पहुँचे होते हैं। तो मेरी एक मांग ये भी है कि क्यों ना इन होटल या रिसोर्ट्स के बड़े बड़े फोटो अब नेता अपने पीछे लगाए कि जी हाँ, ये वो रिसोर्ट था जिसने मुझे मंत्री बनाने में, जिसने मुझे मुख्यमंत्री बनाने में, जिसने मुझे उप मुख्यमंत्री बनाने में, या जिसने मुझे किसी ना किसी पावर फुल पद पर पहुँचाने में बड़ी मदद की है। तो मैं चाहता हूँ कि नेताओं के उन कमरों में, उन ऑफिसों में वो फोटो लगे। साथ ही कहीं ना कहीं जब लोकतंत्र की बात आती है तो ये हमारे संसद भवन, हमारे ये विधानसभा भवन, इनमें भी जब इनके गलियारों में हम बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े लोकतंत्र के पहरुओं के, पहरियों के फोटो देखते हैं, तो उनमें भी मेरे को ये लगता है कि वहाँ भी कहीं ना कहीं इन रिसोर्ट्स के बड़े बड़े फोटो लगने चाहिए कि फला साल में इस रिसोर्ट की बदौलत ये सरकार चली थी, फिर उसके बाद इस रिसोर्ट की बदौलत ये सरकार चली थी। तो जब ये रिसोर्ट इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तो इनकी इस प्रकार से अनदेखी का मैं घोर विरोध करता हूँ। नेताओं के ये रिसोर्ट सफल होने के बाद इन रिसोर्ट को भूल जाने की इस गतिविधि का मैं घोर निंदा करता हूँ। और साथ ही अपनी बात को ख़त्म करूँ इस राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से, तो चार लाइनों में ही अपनी बात कहना चाहूँगा कि वहीं बैठकर
वहीं बैठकर कर लेंगे हम कम ज्यादा की टोटल, वहीं बैठकर कम कर लेंगे हम कम ज्यादा की टोटल। पहले जल्दी से तय करो एक अच्छा सा होटल। तो ना सांसद, ना मंत्री, ना न्याय, ना कोर्ट, और लोकतंत्र को बचा रहे ये लंबे चौड़े रिसोर्ट। जय रिसोर्ट, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।